यह मंदिर है श्री उमा महेश्वर और शिवदार धाम, घोरावल से 10 किलोमीटर दूर और सोनभद्र मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर यह पड़ता है। अगर सोनभद्र की पहचान के रूप में देखा जाए तो उनमें से शिवदार धाम अपने आप में पहले स्थान पर आता है। सोनभद्र मुख्यालय से यह 40 किलोमीटर दूर है और मिर्ज़ापुर मुख्यालय से लगभग 62 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भगृह में 3 फीट बड़ी काले पत्थर की 11वीं सदी की मूर्ति स्थापित है, जिसका शिल्प बेहतरीन है और इसका शिल्प ऐसा मालूम पड़ता है कि इसका संबंध अजंता एलोरा की गुफा से मिलता जुलता है। धार्मिक दृष्टि से भक्त इसे दूसरी काशी और गुप्त काशी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप यह देख रहे हैं कि इस मंदिर के प्रारंभ में नंदी भगवान बैठे हुए हैं और यह मंदिर जो है इसके बारे में बताते हैं कि जो मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित है, पहले तो आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग के बारे में बताते हैं कि 1985 में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जैन सरस्वती जी का यहाँ आगमन हुआ था। उन्होंने सुंदरीकरण और ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। यह उनके द्वारा स्थापित है और उन्होंने बताया था कि यह स्थान अपने आप में किसी समय एक भव्य नगर हुआ करता था और यहाँ पर कहते हैं कला और संस्कृति और सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर थी। यह मंदिर का गर्भगृह है और मंदिर के गर्भगृह में यह जो मूर्ति स्थापित है इसकी अपनी अलग विशेषता है और इसी कारण यहाँ पर लोग आते हैं। यह आस्था का एक बड़ा केंद्र भी है। श्री उमा महेश्वर, जय। मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम और जय, और भगवान उमा महेश्वर सबकी सब पे कृपा बनाए रखें। राज परिवार की बहुरानी अविनाश कुमारी ने शिवदार मंदिर का निर्माण कराया था। वर्ष 1938 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। मंदिर के का यह निकास द्वार है और हम मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भी थोड़ा सा आसपास भी भ्रमण करते हैं और आपको जानकारियाँ देते हैं। राज परिवार की जो बहुरानी थी अविनाश कुमारी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। सद्द्वारी गांव के मोती महतो को खेत में हल चलाते समय यह मूर्ति मिली थी। इस मूर्ति की खासियत है कि 19वीं सदी की है और 19वीं सदी के चौथे दशक में यह प्राप्त हुई थी। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण यहाँ पर आसपास के लोग अपना मांगलिक कार्य करने आते हैं। यह इस मंदिर से सटे हुए यहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है। जय माँ दुर्गा, हम सब पर आपकी कृपा बनी रहे। यह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मूर्तियों के अवशेष रखे हैं और आपको बताना चाहूँगा कि सोनभद्र का यह जो घोरावल क्षेत्र है यहाँ आज भी दुर्लभ और 10वीं और 11वीं शताब्दी की मूर्तियाँ यहाँ पर मिलती हैं। कुछ क्षतिग्रस्त मिलती हैं और कुछ अपनी पूर्ण अवस्था मिलती हैं। प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने का ऐसा मालूम पड़ता है कि शिल्पकार ने जो मूर्तियाँ बनाई थी उन पर वस्त्र का निर्माण नहीं किया था, तो मूर्तियों को वस्त्र पहनाया जाता है, उन्हें ढका जाता है। 1986 में मिर्ज़ापुर के बरिया घाट से यहाँ पर 13 युवक थे जो जल लाकर चढ़ाए थे और उसके बाद से यहाँ कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई थी। 1991 में सोनभद्र के विजयगढ़ से कांवड़ यात्रा की शुरुआत की गई थी और जो आज भी चलती है। अगर आप सावन में और शिवद्वार के समय और सावन और शिवरात्रि के समय अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भक्तों और आस्थावानों की इतनी भीड़ होती है यहाँ पर कि संभालना मुश्किल हो जाता है। मांगलिक कार्य से संबंधित यह जगह है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यह एक महत्वपूर्ण स्थल है, आप आइएगा जरूर। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन देखिएगा। फिर मिलता हूँ कुछ ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।